श्री गुरु ग्रंथ साहब मलार मैला तिन दुत के सतगुर ते पावे करो दरू मैलू सुपोथानू गुर सबदी चुके अभिमानू जिनको लिलाटी लिखिया तुरी नामू अंदिन नामू सदा सदा त्यावी साची दरगै पावी मानू। सतगुरु द्वारा ही ये जीव शरीर ग्रह में जो श्रेष्ठ स्थान अंतःकरण है उसमें प्रभु हरि स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त कराता है। गुरु की शिक्षा से इसका देह अभिमान दूर हो जाता है। सतगुर के पावे करु दरु मैलु सुथानु गुर सबदी चुके अभिमानु। गुरु की शिक्षा से इसका देह अभिमान दूर हो जाता है। जिनके मस्तक पर हरि प्रभु द्वार से ही हरि नाम जाप लेख लिखा है वे निरंतर मन वाणी के से नाम की उपासना करते हैं। उसी के द्वारा वे प्रभु दरबार में सम्मानित होते हैं। जिनको ललाटी लिखा तो नामो अंदिनो नामो सदा सदा त्यामी साची दरगाह पावे मन। मन की विधि सतगुर ते जाने अंदिन लागे सद हरि सो त्यानो गुर शब्दी रत्ते सदा बिरागी हरि दरगाह साची पावे मन। जब चंचल मन को संयमित करने की विधि सतगुर से जानी तब इसका निरंतर हरि के साथ ध्यान लग जाता है। जो गुरु ज्ञान में अनरक्त हुए हैं वे सदैव वैरागी हुए हैं और वे ही प्रभु के सच्चे दरबार में शोभा पाते हैं। गुरु सबदी रत्ते सदा वैरागी हरि दरगाह साचे पावे मन। यह मनुखेले हुक्म का बादा एक खिन मई दै दिस फिरावे जा आपे नदरी करे हरि प्रभु साचा ता एह मनु गुरमुखी तत्काल वसी आवे। प्रभु हरि के हुक्म का बंदा हुआ जो ये मन पदार्थों में खेलता है वह एक क्षण में चारों दिशाओं में घूम आता है। लेकिन जब प्रभु हरि अपनी कृपा दृष्टि करते हैं तब ये मन गुरु के द्वार पर तत्क्षण नहीं बस जाता। जब आपे नदरी करे हर प्रभु साचा ता एह मनु गुरमुखी तत्काल वसी आवे। इस मन को वश में करने की विधि मनुष्य तब जानता है जब गुरु के उपदेश के अनुसार प्रभु हरि के स्वरूप को समझ लेता है। इस मन की विधि मन हूं जाने बुझे शब्दी विचारी। गुरु नानक देव जी का कथन है कि हे भाई तू सदैव नाम स्मरण किया कर जिसके द्वारा तू संसार समुद्र से पार उतर जाएगा। हर समय हरि नाम स्मरण राम नाम स्मरण किया कर नानक नामो त्याई सदा तू पव सागर जितो पावी पारी।